परवरदिगार आलम ने इस्लाम के एक अजीम रुकन जिसको हज के अल्फाज से लोग पुकारते हैं उसका जिक्र फरमाया। एक इश्क वाली चीज है, फरेफ्ता होने वाली बात है। जब तक दिमाग में ये बात ना आए कि मैं तो किसी के दर पे पड़ के मरना चाहता हूं, इस बात में आता है फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब दरबार इलाही की ज्यारत की नीयत से आदमी घर से निकलता है, हक सुबहानहु व तआला व तकद्दस ने फरमाया घर अपने घर से निकलते ही वो मेरा मेहमान बन जाता है, मैं खुदा उसका मेजबान होता हूं। यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आदमी घर से निकलने के बाद सफर हज में फौत हो जाए तो परवरदिगार आलम की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो उसकी तरफ से हज के तमाम अरकान अदा करता है। आदमी की कहां मजाल है, कहां जुरत है कि उस किस्म के अरकान अदा करे जो फरिश्ता कर सकता है। फरिश्ते को पेशाब की हाजत नहीं, पखाने की हाजत नहीं, नींद का गलबा नहीं, भूख नहीं, वो तो हर वक्त सरापा इबादत में रहते हैं। कितना बड़ा इनाम है कि अगर तू निकलने के बाद इरादा तेरा मेरे दरबार का हो, मेरे घर की ज्यारत का हो, तवाफ का हो, इश्क लेकर के निकला हो, अगर तू मौत के लुकमे में चला गया तो तेरी तरफ से मैं एक फरिश्ता खड़ा करके सारे अरकान अदा कराऊंगा। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक कौम को देखा जो बैतुल्ला का तवाफ कर रही थी, तो उनसे पूछा तुम कहां से आए कि यमन से, तुम्हारी गरज क्या है कि सिर्फ हज, कोई कारोबार तो नहीं? कहा नहीं। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने उनको यह हदीस शरीफ सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इखलास के साथ अल्लाह के घर का तवाफ किया, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि फिर उसके लिए जन्नत के सिवा और कोई बदला नहीं। और एक हदीस का जुमला है रजा यौमिन कवलदत हु उम्मुहु, आदमी ऐसा लौटता है बैतुल्ला से जैसे मां के पेट से आज पैदा हुआ। सरजमीन अरब अल्लाह के खजानों से माला माल है, अंबिया का सारा सिलसिला अल्लाह पाक ने वही कायम दायम फरमाया। परवरदिगारे आलम ने बैतुल्ला शरीफ की बुनियाद रखने के लिए भी एक अल्लाह ने अपने नबी अपने खलील का इंतखाब फरमाया। सारी दुनिया की जमीन उस जमीन के सदके में पैदा हुई। फरमाया था मैंने बनवाना है बैतुल्ला, मिस्त्री हो खलीलुल्ला, मजदूर हो जबीहुल्ला। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला की तामीर की। अपना बचपन बड़ा अजीबो गरीब अंदाजे से भुगताया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। पैदा हुए तो शिर्क की लानत में गिरफ्तार लोगों से टक्कर हो गई। बाप बुतगर नहीं, बुत परस्त नहीं, बल्कि बुतगर है, बुत बना करके बेचता है। अंदाजा लगाएं कि किसी जमाने में खुदाओं का कारोबार भी होता रहा है। माफ तो अब भी नहीं करते, पहले शिर्क की ढेरी बनाई और उसके बाद कारोबार शुरू कर दिया। और आजकल तो इस जैसा बेहतरीन कारोबार तो है ही नहीं। टेलीफोन का बिल नहीं, सुई गैस का बिल नहीं, बिजली का बिल नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई खर्चा नहीं, हाउस टैक्स नहीं, सेल टैक्स नहीं, सारे टैक्सों से पाक है ये खबरों का कारोबार। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तमाम बुतों को तोड़ने के लिए पैदा हुए। बुतखाना बना रखा बेशुमार बड़ा लोगों ने,
पूजा करते हैं, नजर नियाद लगाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हैं, इन लोगों ने क्या हरकतें की। उस वादउला शरीक का दरबार छोड़कर, मालिक कायनात का दरवाजा छोड़कर, जिसने जमीन आसमान पैदा किया, जर्रे जर्रे का खालिक वो, कतरे कतरे का मालिक वो, एक एक पत्ते का पालनहार और रब वो, उसे छोड़कर किधर के लोग जा रहे हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवानी का जमाना है, लोग मेले की तरफ निकल गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला, बुतों में जा घुसे, कुल्हाड़ा लेकर, किसी का नाक काटा, किसी का कान काटा, किसी का पैर काटा, किसी का सर उड़ा दिया। सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर निकल आए। वापिस आई कौम, बुतों का बुरा हाल है। फरमाया वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन कब्ल कुन्ना बिही आलिमीन। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता की थी, रुश्द अता की थी, सिराते मुस्तकीम उनको समझाया और सुझाया था। इस क़ाला लि अबी व कौमिहि तमासील अल्लती अंतुम लाकिफून। बड़े बड़े बुत मनाया करते थे, बड़े बड़े चीकने, बड़े बड़े आला दर्जे के खूबसूरत तराश तराश कर, छील करके बुत बनाकर खुदा का नाम दिया करते थे। बड़ा अजीब समाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग अगर पत्थरों की तराश कर खुदा बनाए तो काफिर, आज मुसलमान आला दर्जे की कब्र बनाकर सजदे किया करे, तवाफ किया करे, रात दिन चाटा करे, इस्लाम में कोई फर्क नहीं आता। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए, आपस में बैठ के मशवरा किया और कहने लगे, ये काम किया किसने, हमारे खुदाओं की तौहीन कर दी, बेअदबी कर दी, बेआबरूई कर दी। आपस में कहने लगे, और कोई नहीं कर सकता, एक नौजवान है। कालू समीना फतेहुम यू कालू लहू इब्राहीम। एक नौजवान है, वो इनकी बुराई किया करता है, वो इनको बुरा कहा करता है, उसके सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। सारी कौम इकट्ठी होकर के आ गई। कालू अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या हमारे खुदाओं के साथ, क्या हमारे महबूदों के साथ तूने ये हरकत की है। कुरान करीम है, कोई किस्से कहानियों की किताब नहीं। काश आज के मुसलमान को कुरान करीम देखने की समझने की तौफीक हो जाए, सारी दुनिया और दीन के मसले हल हो जाएं। मगर मुसलमान ने तो कसम खा रखी है कि अपनी सारी मुश्किलात का हल दुनिया में तलाश करना है, सारी मुश्किलात का हल सियासत के तौर पर हासिल करना है, सारी दुनिया की मुश्किलात का हमने अपने हाथों से हल करना है, कुरान करीम के जरिए नहीं। दुनिया के लोगों, आओ अल्लाह के कुरान को पढ़ो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने काबुल से लेकर त्राबुलस तक सारा अफ्रीका, जनूबी एशिया, मशरिक बईद, मशरिक करीब, मशरिक वस्ता और बर्रे सगीर, तमाम के तमाम अकवाम आलम से खुदावंद करीम की तौहीद का लोहा मनवाया था।
तोपे उनके पास ना थी, एटम बम ना था, हाइड्रोजन बम ना था, दफ्तर बंद गाड़ियां ना थी, तैयारा शिकन तोपे और टैंक ना थे, खुदा का कुरान था, पूरी दुनिया पे छा गए। जिस मुल्क को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के तीन गुलामों ने फतह किया, सिर्फ तीन बंदे, तीन आदमी, काली कमली वाले के तीन गुलाम, उधर पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क की फौज है, पूरे मुल्क का लश्कर है, हुकूमत है, इख्तदार है, नशा है, दौलत है, सब कुछ है, इनके पास रोटी भी नहीं, इनके पास असला भी नहीं, इनके पास साधो सामान भी नहीं, मगर ईमान था, खुदा का कुरान था। खुदा की कसम, जब कुरान करीम लेकर स्पीड में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन गुलाम खड़े हुए, सारे मुल्क को शिकस्त देकर खुदा की तौहीद का लोहा मनवाया। आज प्रेस है, अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, प्रोग्राम है, कहना सुनना है, चलना फिरना है, मगर कुरान करीम मुर्दों के लिए ताक में बंद करके रख दिया। मैं कहता हूं तुम्हें मरे हुओं को भी कोई कुरान पढ़ने वाला ना मिलेगा। जब सारे छोड़ दोगे, बाप मरेगा तेरा, कुरान दूसरा क्यों पढ़ेगा कोई? कुछ ठेका उठा रखा किसी ने? तो ऐसी सूरत में मुसलमान जब तक अल्लाह के कुरान को अपने पास रखता है तो ताईद एजदी उसकी शामिल हाल रहती है, और जब वो कुरान करीम को ठुकरा देता है, छोड़ देता है, तो बात खत्म हो जाती है। सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक जात, आज हम तो कह देते हैं कि हम तो थोड़े हैं, हम तो अकेले हैं, क्या करें, खलीलुल्लाह की एक जात है, अकेले हैं, डर नहीं, खौफ नहीं, हुजन नहीं, मलाल नहीं, परेशानी नहीं, घबराहट नहीं, रणा निकाल दिया खुदाओं का। आ गए वो लोग, आके कहने लगे कालू अंत फलतहादा बि आलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सच बता, ये खुदाओं को लंगड़े लुल्ले किसने बनाया? इनके नाक किसने काटे? कान किसने काटे? قالوا سمعنا فتيد كرهم يقال له إبراهيم। यही एक नौजवान है जिसका अकीदा दूसरा मालूम होता है, जिसका नजरिया दूसरा मालूम होता है, जिसके हालात कुछ अलग थलग मालूम होते हैं, यही वो हो सकता है। तभी तो अल्लाह पाक को प्यार आया, मेरे खलील तूने अकेले ने मार खाई है, आ मैं अपने घर की तामीर तुझसे, तेरे उन हाथों से ना कराऊं जिन हाथों से तू मेरे खुदा, मुझ खुदा के मुकाबले में बनाए हुए बुतों को तोड़ा करता है, जिन हाथों से तूने शिर्क के अड्डे मिटाए, जिन हाथों से तूने बुतखाने तोड़े, बुतों के नाक कान तोड़े, आ मेरे खलील उन्हीं हाथों से मैं अपने बैतुल्लाह की तुझसे तामीर कराऊं। ये तेरे हाथ बड़े बाबरकत हैं। सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे क्या कहते हो? जाओ अपने हाजत रवाओं से पूछो, मुश्किल कुशाओं से पूछो, जिसकी टांग कटी उससे पूछो किसने काटी, जिसका नाक कटा हुआ उससे जाकर के पूछो तेरी नाक किसने काटी, जिसका कान कटा हुआ उससे जाकर के पूछो तेरा कान किसने काटा। قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया, तुम्हें बेटे दे सकते हैं, खुद नहीं बता सकते कि मारा किसने है, सारी दुनिया में बारिश बरसाने पे कादिर है, और तुम्हें नहीं बता सकते कि हमारा रगड़ा किसने निकाला है, तुम्हें
दुश्मनों पे फतह देने पे कादिर हैं, तुम्हारे दुश्मनों को मिटाने पे कादिर हैं, बारिश बरसाने पे कादिर हैं, औलाद देने पे कादिर हैं, तुम्हें बीमारी देकर दूर कर देने पे कुदरत रखते हैं, तो खुद नहीं बता सकते कि नाक कान किसने काटा है? कहने लगे इब्राहिम कैसी बातें करता है, ये कोई बोलना जानते हैं? ये तो बोलना ही नहीं करते। उन्होंने कहा अच्छा ये आए कहां से हैं? कि हमने बनाए छेनियों से, हथियारों से छोल कर तराश कर हमने बनाए। फरमाया जालिमों जिनको तुम बनाओ छेनियों और लोहों से तराश तराश कर छील छीन कर जिनको तुम बनाओ, जिनको तुम्हारे हाथों ने बनाया हो वो तुम्हारे खुदा हो सकते हैं? और समझो अगर उस जमाने के पत्थरों के बने हुए खुदा, हाथों के बनाए हुए खुदा मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, तो आज का कोई वली जिसको अपने हाथों से कब्र में दफन किया हो वो मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? कहने लगे जी ये तो बोलना नहीं करते, ये तो बोलना नहीं जानते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया, कौल अफताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यन्फउकुम वला यगुर्रुकुम। आओ इधर मेरी बात सुनो, जो नफे नुकसान का मालिक नहीं, जो अपना नफा नुकसान नहीं बता सकते, वो तुम्हारे माबूद कैसे बन सकते हैं? कब तुम्हारी हाजत रवाई करेंगे, कब तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेंगे, कब बिगड़ियां लोगों की बनाएंगे, और कब वो लोगों की मुसीबतें दूर करने पे कादिर होंगे, जब खुद बता नहीं सकते कि ये काम किया किसने है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारों को इकट्ठा किया और साथ ले जाकर बुतखाने पे खड़ा कर दिया और फरमाया कुल्हाड़ा इसे इसके कंधे पे रखा है, बड़ा गुरु घंटा लिए है, इससे तो पूछ लो, इससे पूछो कि ये काम किए किसने। तर्जमा कर रहा हूं कुरान करीम की आयतों का, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम तो कह दो कि आज तो खुरदरी खुरदरी बातें कर रहा था। खुरदरी बातें मैं नहीं करता, खुदा करता है, और कौन नहीं करता? दुनिया का कोई सदर दूसरा सदर मानने को तैयार नहीं, तो खुदा दूसरा खुदा कैसे मान लेगा? तुम तो इतनी गैरतमंद, अपनी बीवी की तरफ किसी को आंख उठा के नहीं देखने देते, और अल्लाह ताला जिसने गैरत को पैदा किया है वो नहीं चाहता कि बंदा मेरा हो झुके किसी और के सामने, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, पहनाऊं मैं, बीवी मैं दूं, बच्चे मैं दूं, मुश्किल कुशाई मैं करूं, जवानी मैं दूं, तंदुरुस्ती मैं दूं, आंख मैं दूं, कान मैंने दिए, दिलो दिमाग मैंने दिया, दौलत मैंने दी, माल मैंने दिया, और जब आई इताअत की बारी, गुलामी की बारी, बंदगी की बारी, इबादत की बारी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे इतना गजब और गुस्सा जिना से नहीं आता, इतना बड़ा चोरी से नहीं आता, डाके से नहीं आता, जब तू मेरे दर के सिवा किसी दरवाजे पे जब जाके सर झुकाता है, खुदा फरमाते मेरी किबरियाई जलाल में आती है। सारे फलस्तीन वाले जल गए, कहने लगे कालू हरिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। आओ अपने खुदाओं की इमदाद करो, पकड़ो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जलाओ इसे पकड़ कर, वंसुरू आलिहतकुम, आओ अपने माबूदों की इमदाद करो, उनकी खिदमत करो, उनका तआवुन करो, उनकी हिमायत करो, वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। अगर तुम कुछ करने वाले हो, अगर कुछ कर सकते हो, आओ फिर पकड़ो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और चिखा में फेंको। चुनाचे नमरूद ने इंतजाम किया लंबा चौड़ा, हजारों नहीं लाखों मन लक्कड़ और ईंधन
ईंधन जमा किया और आग सुलगाई, दहक उठी, कोले बन गए, शोले बन गए। पंगूड़े में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर ऐन दरमियान में फेंका है। कुर्बान जाऊं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमीर पे, अकीदे पे, नजरिए पे, ईमान पे पंगूड़ा तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा रहे हैं पकड़कर, फरिश्ता सामने आता है, सलाम करता है और कहने लगा, ओ इब्राहिम मुझे हुक्म दे, मैं बारिश पे मामूर हूं, अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाता हूं, मैं बारिश बरसाकर सारी आग को, आतिश को, भाप को बुझा दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ फरिश्ते क्या मेरी इस हालत का मेरे रब को पता है? जो हालत मेरी इस वक्त बन रही है मेरे रब को इसका इल्म है, पता है? फरिश्ते ने कहा, पता है। अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया, बीच में से हट जा, फिर रब जलील जाने और उसका बंदा खलील जाने, जो वो चाहेगा, मैं तो उस पर राजी हूं जो मेरे रब को मंजूर हो। हवा पे जो फरिश्ता मामूर था वो आया, तो मैं हवा ऐसी चलाऊं ये सारी आग हवा में उड़ जाएगी। फरमाया, नहीं, क्यों? जिस तरह मेरे रब को मंजूर होगा वही होगा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चिखा में फेंक दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला की तो आग भी मखलूक है, अरे आग ठंडी हो गई, अल्लाह के हुक्म से आग तो सर्द पड़ गई। अल्लाह के कुरान में अल्लाह के हजारों हुक्म सुनकर आप आज तक ठंडे नहीं पड़े। आग को शर्म आई जिसका मादा ही जलाना है, कि अल्लाह के हुक्म के सामने मैं अपनी जलाने वाली ताकत को कैसे बहाल रखूं? खुदा का हुक्म आया है। आग ने अपनी आदत वाला काम छोड़ दिया, जलाना छोड़ दिया, साड़ना छोड़ दिया, ठंडी हो गई, सलामती के साथ ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, बागो बहार बन गई। अल्लाह के हुक्म के सामने आग बदल गई, हम ना बदले। जो हमारी आदतें बनी हुई हैं हमने नहीं बदलना। कुरान के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के हुक्म के सामने नहीं अपने आप को बदलना। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चीखा के दरमियान में पड़े आवाज आती है, कुल ना या ना रुकूनी बरदऊ सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती के साथ मेरे खलील के साथ ठंडी हो जा, तकलीफ ना हो, इतनी ठंडी भी ना बनना जिससे मेरे खलील अल्लाह को तकलीफ पहुंचे। आग गुलजार बन गई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 500 साल की इबादत एक तरफ और खाने काबा पर यूं एक निगाह डालना एक तरफ। अंदाजा लगा, जब निगाह डालने वाले का ये मर्तबा है और ये सवाब मिलता है, बनाने वाले को क्या मिला होगा? बनाने वाले को क्या मिला होगा? वो कितना बरकतों वाला इंसान होगा, वो कितना बरकतों वाला पैगंबर होगा, वो कितना रहमतों वाला पैगंबर होगा जिसके हाथों ने बैतुल्लाह की तामीर की। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम करते हैं और बेटा जबीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूरी का काम करते हैं। बन रहा है बैतुल्लाह, बना रहा है खलीलुल्लाह, गारा और ईंट पकड़ा रहा है जबीहुल्लाह। मिस्त्री भी नबी, मजदूरी का काम करने वाला भी नबी। अल्लाह पाक का घर मुकम्मल कर दिया, फरमाया इन्ना वला बैतिं वुदिया लिन्नास लल्लदी बिबक्कत मुबारकं वहुदल लिल आलमीन। कुर्रे अरद पे सबसे पहला घर,
اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا, اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاندان بلایا, اسماعیل علیہ السلام کو بلایا, حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا, حضرت مائی سارا کو بلایا, اور بلا کر دعا مانگی ہے, دعا مانگی ہے, الہ العالمین دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت ہاجرہ کی آمین ہے, حضرت مائی سارا کی آمین آمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے, جو اس کی زیارت کو آئے, جو اس گھر کا طواف کرے, بوڑھے آدمی, بوڑھی عمر کا, بڑی عمر کا آدمی, جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے, الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حاجی حج کرنے آج چلا, دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی. فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے, طواف کے ارادے سے آئے, زیارت کے ارادے سے آئے, حرم محترم میں آئے, حج کا پروگرام بنا کر آئے, میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما. سارے خاندان نے آمین کہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے, اس گھر کا طواف کرنے آئے, اس گھر کی زیارت کرے, اس کا احترام کرے, یا اللہ جو جوان آئے, جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے, میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دونوں باپ بیٹوں, پیغمبروں نے, نبیوں نے دعا کر دی. حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم بھی دعا کرو. حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی, الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے, طواف کے لیے آئے, احترام کے لیے آئے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ہاجرہ نے دعا کی, آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے, آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے, حضرت سارا کی آمین ہے. حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت سارا کی باری آئی دعا کرنے کی. دعا کرتی, الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے, عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے, طواف کے لیے, اس کے سارے گناہ معاف فرما. پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے, نکلتا ہے, بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے, دکان کی پرواہ نہیں, کاروبار کی پرواہ نہیں, ایک ذوق میں, ایک شوق میں, ایک مستانہ وار, ایک دیوانہ وار چلتا ہے. حرم محترم کا اس کا ارادہ ہے, یہاں سے کراچی, کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جوں جوں سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے, محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. چنانچہ کسی ملک میں جاؤ, آدمی پریشان ہوتا ہے, امریکہ میں آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کدھر کو جاؤں گا. یورپ میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ, کسی ملک میں بھی جاؤ, یہ خاصہ ہے, سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے, میں دوسروں کے یہاں نہیں اپنوں کے یہاں آیا ہوں. اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں, گھبرا نہ, آ جا, یہ بیت اللہ بھی میرا, تو بھی میرا, یہ زمین بھی میری, یہ آسمان بھی میرا, گھبراتا کیوں ہے, اور تیرا میزبان میں ہوں, ادھر آ. فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ. خبردار, اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا,
बादशाह तख्त व ताज उतार के आओ, सुर्खिया कोतों सबजिया कोतों वाले ताज, सोने की लड़ियों वाले ताज, चांदी और हीरे के लगे हुए ताज उतार के आ, मेरा दर हो तेरा सर हो, नंगा सर करके ला, खबरदार सर पे कुछ नहीं। बादशाह नंगे सर आओ, वजीरों नंगे सर आओ, गवर्नरों नंगे सर आओ, जिम्मेदारों सरमायादारों बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकरों मर्दों तमाम के तमाम नंगे सर आओ। कोट पतलून उतार के आओ, सलवार कमीज उतार के आओ। तुमने जो अपने अपने मुल्क के मुताबिक फैशन बना रखे हैं, इन सारे फैशनों को उतार कर मेरे यहां तो एक ही फैशन है, मेरे बंदे तेरा सर हो मेरा दर हो, तेरा दिल हो मेरा घर हो, एक ही फैशन चलेगा यहां। तमाम कपड़े उतार के आओ, सिला हुआ कपड़ा पहनना एहराम बांधना जायज नहीं, हाजिरी नहीं होगी और हज नहीं होगा, बिल्कुल सही मरासिक अदा नहीं होंगे। फरमाया चाहे यूरोप का बाशिंदा हो, एशिया का बाशिंदा हो, बर्रे सगीर का बाशिंदा हो, काले मुल्क का रहने वाला हो, गोरों के मुल्क के रहने वाला हो, बादशाह और फकीर हो, तमाम के तमाम एक लिबास में आओ। वो लिबास क्या हो? फरमाया एक चादर गले में डाल ले, कफन पहन के आ, घर से पूरी तरह निकल के आ। हाँ, तुझे क्या मालूम वापसी भी तेरी होगी कि नहीं, तैयार हो के आ, पक्का प्रोग्राम बना के आ। فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا۔ रफस के मानों में जीनत भी है, जेबो जीनत तुमने नहीं करनी। खुशबू लगाकर मेरे दरबार में मत आओ, ये जेंटलमैनी अपने घर चलाओ। दिल में ये बात मत लाओ कि मैं कुछ बन के चला हूं और मेरे दरबार में बन के आएगा। मिट के आ, बंदगी करता हुआ आ, सर झुकाता हुआ आ, मुझे अपना खुदा और माबूद और कारसाज मानता हुआ आ। फरमाया सलवार कमीज नहीं चलेगी, कोट पतलून नहीं चलेगा, तमाम कपड़े उतार के आओ। एक कपड़ा अपनी तहमत की जगह लपेट ले ताकि तेरी शर्मगाह छुप जाए, और एक कपड़ा गले में डाल ले और कंधा फिर भी नंगा रख ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लाह के दरबार में भी कपड़े पहन के चला है। इसी को कहता कि कोई इल्म बादशाह है, कोई है इल्म फकीर, सब नजर आते हैं तेरी दाम उल्फत के असीर। बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बादशाह फकीर हो, कोई भी हो कोई भी हो, अल्लाह के दरबार में यकसान। बंदा तो बंदा है ना। अल्लाह पाक आप सबको बैतुल्ला शरीफ की ज्यारत नसीब फरमाए। हर में मोहतरम में जब नमाज होती है, अजब अंदाज होता है, सारी कायनात सर से नंगी खड़ी है, कफन में लिपटे खड़े हैं, अपने मौला के दरबार में हाजिर है। और अजब दरबार है, हर में मोहतरम में कदम रखते ही पसीने छूट जाते हैं,
शराबोर हो जाता है पसीनों में और आदमी का जमीर खुद मलामत करता है, और मेरे मालिक मैं इतना बड़ा रूस यार, ये तेरा दरबार, कहां मेरी बदामाली, कहां मेरी रूसियाही, कहां मेरे करतूत और कहां तेरा ये बाबरकत दरबार। शर्म आती है, पसीनों में आदमी खुद ब खुद डूब जाता है, हर में मोहतरम के अंदर जाता है, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, नजर पड़ती है, प्यार आता है, मोहब्बत आती है, दिल में वलवला पैदा होता है, कि जज्बा पैदा होता है। आगे बढ़कर हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने हजरे अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कि उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया। खुदावंद आलम फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूं उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया, और फरमाया कि बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर जिसने दुआ मांगी, मैं ये समझता हूं कि मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया, और जिसने मकाम में मुल्तजिम पे लिपटकर मुझसे मांगा, मैं समझता हूं मेरी चौखट पे लिपटकर, मेरी दहलीज पे पढ़कर मुझसे सब कुछ मांग लिया। तवाफ करता है, आवाज लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इलाही मैं हाजिर हूं, इलाही मैं हाजिर हो गया हूं, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी कबूल फरमा, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी मंजूर फरमा, मैं आया हूं तेरे दरबार में सर मारने के लिए, तेरे दरवाजे पे गुलामी करने के लिए मैं आया हूं। उलमाए किराम ने लिखा है, मदीने पाक से बाहर एक आदमी ने आके एहराम बांधा, और एहराम बांधकर आवाज लगाई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियां थे, उम्र रसीदा थे, चल रहे हैं, फिर भी तलबिया पढ़ रहे हैं और हज के लिए आ रहे हैं, बराबर में खड़े हुए किसी जवान ने कहा, बड़े मियां हमने भी सुना है तेरी हाजिरी जब मंजूर नहीं, धक्के खाने की क्या जरूरत है, परेशानी उठाने की क्या जरूरत है, तकलीफ उठाओगे। जवान ने कहा जिन्होंने गैब की आवाज सुन ली थी, बड़े मियां ने रो दिया, रो दिया, और कहने लगा, बेटा तुम एक दिन की आवाज सुनकर के मुझे घबरा रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, 53 साल गुजर गए मुझे यही आवाज सुनते सुनते। फिर ऐ नौजवान ये बता, अगर इस दरवाजे पे मंजूर नहीं तो फिर और दरवाजा कौन सा है जहां जाके मैं माथा रख लूं, मंजूर हो या ना हो मेरा काम है कि मैं पेशानी को उसके दरवाजे पे रगड़ता रहूं, मैं हाजिरी देता रहूं, मंजूर करना उसका काम है, हाजिरी देना मेरा काम है। यूं लिखा है किताबों में कि गैब से आवाज आई, आज हमने तेरे यकदम 54 हज कबूल कर लिए, एकदम तेरे हमने आज 54 हज कबूल कर लिए, हम तो तुझसे इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, और ये बात कहलवाना चाहते थे कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर मामूली साहब को किसी को कर्जा लेना हो तो पहले जाकर के ये ठोकर मारते हैं, ईमान लाल यार असा तो कहें कोलो कहीं कोई किटक का पैसा गिद्दा है कहीं नहीं, जब लोड़ पौंदी है असा दे साडा यार है पिया, साडा रिश्तेदार है पिया, असा तो तेरे को आवेंगे हूं जाने वे तेरी मर्जी, असा बै बूहे तो कहीं गए ही कोई नहीं, उनको राजी करण वास्ते बै बूहे की तरदीद पी थी, 4% कर्जा लेवन वास्ते उनको जताना पौंदा है, असा तेरे बूहे तू सवा कलाई किसी को गए ही नहीं, उके नहीं गए, तो खुदा को ना जताओ कि हम तेरे दरवाजे के सिवा कभी किसी दरवाजे पे आए ही नहीं। अगर तुम अपने महबूब को खुश करने के लिए ये बात कहते हो
कि इस दिल में तेरे सिवा किसी की जगह नहीं। जिन लोगों को बाबुल इश्क से वास्ता पड़ा है उनको पता है कि महबूब फिर मुस्कुराता है। यूं कहो ना, हाय असा तेरे सिवा कह कुछ लाण नहीं कहे नहीं, इन दिल दे विच कोई जाति पा ही नहीं सकता तेरे सिवा, ये दिल तेरे वास्ते है। वो बादशाह हजार पड़ी आवे, हजार हसीना आवे, हजार फलानी आवे, मैं ईमान नाल तेरे सिवा कह को देखण कीते तैयार नहीं, कहंदे मुंह दे उते थुकण कीते तैयार नहीं। जड़ वेले ओए गल्ला मारदा है ना महबूब को वल मुस्कुरांदा देखो खुश थींदे, हां हां मेरे उत्ते कुर्बान है, मेरे उत्ते निसार है। हालांकि है सारा मतलब, अगर एक मिट्टी का बना हुआ महबूब इस बात से राजी होता है कि तेरे सिवा मैं किसी को नहीं चाहता, तो वो जमीन और आसमान का मालिक राजी नहीं होगा। जब बंदा कहता है ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हज तो है ही तालीम इस बात की कि दर मेरा हो, सर तेरा हो, दिल तेरा हो, घर मेरा हो, कदम कदम पे यही तालीम है। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तमाम के तमाम हाजियों को यही तलबिया पढ़ना पड़ता है। यहां दूर से ही लमलम की पहाड़ी से, अभी दूर है सरजमीन अरब, पहले से अहराम बांधो, तैयार हो जाओ, दीवाने बन जाओ, मस्ताने बन जाओ, छोड़ो बादशाहत, छोड़ो अपनी तमंगरी, छोड़ो अपनी जेब ज़ीनत, आओ दीवाने बनो। और इसी को कहता कि दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कल खौफो हिरास, दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कलक खौफो हिरास, वो बला कौन सी है जो शब हिजरा में नहीं, और तेरे विशाल में सब कुछ है, तेरी जुदाई में बड़ी परेशानी है। तवाफ में भी ये बात समझा दी जाती है कि मेरे घर के सिवा किसी जगह का तवाफ जायज नहीं। और फरमाया फरिश्तों आओ मेरा बंदा आया है, घर मेरा है, चक्कर इसका है, और यहां मेरे काबे के मीनारों पे खड़े होकर इसकी बख्शिश के लिए झोलियां फैलाकर तुम दुआएं मांगो, इसलिए कि मेरे घर का तवाफ कर रहा है, मेरे घर का चक्कर लगा रहा है, मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा गफिरली इलाही माफ कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मुझसे मांग रहा है। गुजरता गुजरता रुकने यमानी को हाथ लगाकर गुजर जाने का हुक्म है, आवाज आती है फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे घर के कोने को हाथ लगाया, आओ 40 फरिश्ते यकदम आकर मेरे बंदे से मुसाफा करो। क्यों? ये मेरे घर के सिवा किसी जगह को बाबरकत जगह नहीं जानता, किसी दरख्त को बैतुल्ला के मुकाबले में नहीं मानता, किसी घर को काबे के मुकाबले में नहीं मानता, किसी कब्र को नऊज बिल्ला काबतुल्ला के मुकाबले में नहीं लाता। ये फरमाया हाजी जब तवाफ करे दुआ मांगे फरिश्तों आमीन कहते जाओ, साथ साथ चक्कर लगाओ मेरे बंदों के, आओ ये मेरे मेहमान हैं। जमजम का पानी पीने जाता है, तवाफ पूरा करके सात चक्कर लगा के जमजम का पानी पीता है, फरमाया आ जा आ जा, तू मेरे दरवाजे पे आ गया, तू मेरे काबे में आ गया, तू मेरा मेरे हरम में आ गया, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूं। सारी दुनिया पानी पिलाती है अपने मेहमानों को, आ तुझे वो पानी पिलाऊं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से जारी हुआ था। जमजम का पानी पीता है, हाजियों से पूछो थका हुआ जाता है, नींद का मारा हुआ जाता है, घबरा हुआ जाता है, तवाफ किया, तवाफ ज़ियारत किया, पहला तवाफ किया और जमजम पिया और तमाम थकन पता नहीं कहां गायब हो जाती है। जैसे तुम जिसके यहां मेहमान जाते हो सेवन अप की बोतल पीकर डकार लेकर छत की तरफ देखते हो नहीं, तो वहां जमजम का पानी पीकर फिर काबे की तरफ आदमी देखता है। इसके बाद फरमाया आ जा, अभी फारिग नहीं हुआ,
तवाफ तूने कर लिया, मेरे घर का तूने चक्कर लगा लिया, बख्शिश की दुआएं मांग ली, रो लिया धो लिया, और मैंने तुझे पानी सानी भी पिला दिया। चाय वाय होती है ना हमारे यहाँ, हवा, मैंने तुझे पानी सानी पिला दिया, जमजम पिलाया। आ, इस काबे के बनाने वाले ने, हजरत इब्राहिम ने जहां खड़े होकर दो रकात नमाज अदा की थी, तू भी वहां खड़ा होकर नमाज अदा कर। मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़। चुनाचे अब नफिल पढ़ता है, इसके बाद दुआ मांगता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं और मुझको नवाजते हैं। तभी तो फरमाया कि हाजी तोबा करे, आदत बदले, मेरे कानून को अपनाए। तो खुदा बंदे करीम ने फरमाया कि यहां से ऐसा वापस जाता है जैसे मां के पेट से आज पैदा हुआ। जब सिला हुआ कपड़ा जायज नहीं, खुशबू लगाना जायज नहीं, अपनी बीवी की तरफ अहराम बांधे हुए देख, शहवत की निगाह से देखना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं। क्यों? कि जिसका दीवाना बनकर आया, जिसका मस्ताना बनकर आया, वहां तो ये सारी चीजें है ही नहीं, सारी चीजें नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरे दरवाजे पे आया, मेरा बनकर आया, तो जब तक अहराम तेरा बंधा हुआ है ना, मेरे वाली आदत अपना, मेरी भी बीवी नहीं, तू भी समझ ले तेरी भी नहीं, मैं भी कपड़े नहीं पहनता, तू भी समझ ले कि मैंने भी नहीं पहनने, मैं भी खुशबू नहीं लगाता, तू भी ना लगा। जब तक अहराम बंधा हुआ है उस वक्त तक तू मेरे वाले अफाल बना। मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, सब कैद रहमतुल्ला अलैह, जब बैतुल्ला शरीफ में दाखिल हुए तो यूं लिखा किताबों में कि अब्दालों की जमात बैठी थी। मताफ कहते हैं तवाफ की जगह को, बैतुल्ला के चारों तरफ जो चक्कर लगाने की जगह बनी हुई है उसे मताफ कहते हैं। वहां अब्दालों की जमात बैठी थी, पिछली रात थी। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्ला अलैह ने जब कदम रखा, अब्दाल चौंक उठे और फरमाते हैं कि सारा हरम नूर से जगमगा उठा, सारा हरम नूर से जगमगा उठा। और जब अब्दालों की नजर पड़ी तो फरमाया यही वो मौलाना खलील अहमद है जिसकी वजह से बैतुल्ला में नूर भर गया। और जब तवाफ करने लगे तो यूं फरमाया कहां मैं और कहां नकाते गुल, कहां मैं कहां तेरा दरबार, मैं तेरा बंदा तू मेरा शहंशाह, मैं तेरे दरवाजे पे भीख मांगने वाला फकीर, तू मेरा दाता और सब कुछ देने पे कादिर। फरमाया कहां मैं, कहां मैं और कहां न कहते गुल, नसीमे शहर ये तेरी मेहरबानी, मैं कहां आ सकता था, ये तो तेरी करीमी खैच के लाई है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने 7 बरस तक कयाम किया हरम में और इरादा यह किया कि ऐसा वक्त मिले अकेला तवाफ करने वाला मैं हूं और कोई बैतुल्ला का तवाफ करने वाला ना हो। फरमाते हैं मौत आ गई मगर ऐसा वक्त नहीं मिल सका, न रात में न दिन में, कि अकेला तवाफ करे। इन हाजियों से पूछो, जैसे ही फर्ज नमाज की नीयत बनती है तवाफ बंद हो जाता है, नमाज में लोग मशगूल हो जाते हैं, नमाज शुरू हो जाती है, इधर तवाफ बंद हुआ उधर अबाबीलों ने तवाफ शुरू किया, काली काली चिड़िया आकर तवाफ शुरू कर देती है, उधर सलाम फिरा लोगों ने तवाफ शुरू किया, वो चिड़िया गायब। एक सेकंड के लिए भी अल्लाह के दरबार का तवाफ नहीं रुकता। और एक वाक्य लिखा है शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्ला अलैह ने कि एक आदमी तवाफ कर रहा था बैतुल्लाह का, तवाफ करते करते, औरतें भी करती हैं तवाफ, मर्द भी करते हैं, एक औरत ने जेवर पहन रखा था, पाजेब पहन रखी थी, छनक छनक की आवाज आती थी,
उस अल्लाह वाले के दिल में आया, ये देखूं ये छनकार वाली औरत कितनी खूबसूरत होगी। यूं जो नजर की, यूं लिखा बैतुल्लाह की दीवार में से एक हाथ निकला, ऐसा थप्पड़ मारा आंख बाहर निकल के जाके पड़ी और आवाज आई, तवाफ मेरा दीदार गैर का, तवाफ मेरे घर का दीदार गैर का, आंख बाहर निकाल दी। पता चला अल्लाह ताला गैरत के पैदा करने वाला है, गयूर है सार है सबसे ज्यादा। अरे को ताला सही सही अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मजमून इसलिए अर्ज करता हूँ कि आपके और मेरे दिल में वलवला पैदा हो, जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। खुदा की कसम ये तो वो दरबार है जहां इरादा करने से ही मिलना शुरू हो जाता है, इरादा करते ही मिलना शुरू हो जाता है। अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन।